हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल फ्लाई सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू जॉब ओपनिंग की और इस जॉब ओपनिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आई एल टेल यू फॉर दर इन दिस वीडियो सो so, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so, फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये जॉब ओपनिंग किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए है इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जिनको आपको फुलफिल करना है और वो कौन कौन से लोग हैं जो इसको अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉब पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है विस्तारा एयरलाइन ये तो आप सभी जानते हैं कि मैं जितनी भी जॉब ओपनिंग लेके आती हूँ किसी एयरलाइन के लिए ही लेके आती हूँ तो इस टाइम जो ये जॉब ओपनिंग है वो विस्तारा एयरलाइन के लिए है डिपार्टमेंट है कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट जहाँ आपको लोगों की क्वेरीज़ का कस्टमर्स की पैसेंजर्स की क्वेरीज को आंसर करना होता है और उनके कोई भी उिडी होते हैं तो उनको क्लियर करना होता है और जो जॉब पोजीशन है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव की है और लोकेशन है गुड़गांव इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी uh, क्राइटेरिया की तो जिसमें सबसे पहले आता है आपका क्वालिफिकेशन कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए सो so दैट आप इस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो अगर आप इस जॉब ओपनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन uh, होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और अ बोर्ड मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए इसके बाद आपका जो लैंग्वेज uh, पे कमांड है यू शुड बी वेरी फ्लुएंट यू शुड बी हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी क्यों क्योंकि आपको यहाँ पे पैसेंजर्स के साथ लोगों के साथ डील करना होता है तो आपका जो कमांड होता है लैंग्वेज पे वो अच्छा होना चाहिए और अगर आप एविएशन में जॉब करना चाहते हैं तो यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिए फ्रेंड्स अगर आपकी इंग्लिश में आपका कमांड इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो छोटे टाउन से और छोटी छोटी सिटीज से आते हैं और वहाँ पे शायद नहीं होता है इतना यू आर नॉट वेरी फेमिलियर विद दी लैंग्वेज़स और आपका जो प्राइमरी uh, लैंग्वेज होती है वो हिंदी ही होती है तो आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है तो आपको अब आज से ही इंग्लिश को लेकर अगर आप एविएशन में जॉब करना एयरलाइंस में जॉब करना चाहते हैं तो इंग्लिश कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करनी है इसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं आप ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं आज के टाइम पे तो चीज़ें इतनी इजी हो गई हैं फ्रेंड्स कि अगर आप नेट पे सर्च करते हैं तो हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती है तो आप चाहे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और अगर आप मुझसे भी चाहते हैं कि मैं आपको कोई अच्छी सी एप्लीकेशन एडवाइस करूँ इन बाय विच विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन यू कैन यू नो बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइएगा मैं डेफ़िनेटली इसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी दूँगी तो तो अगर आप एविएशन में जॉब करना चाहते हैं तो आपकी जो लैंग्वेज पे कमांड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और इस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग के लिए अगर अप्लाई अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपकी इंग्लिश और हिंदी में अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए नेक्स्ट इज़ यू शुड हैव अ गुड इंटरपर्सनल स्किल्स गुड इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि क्योंकि यहाँ पे आपको कस्टमर्स के साथ डील करना है आपको कस्टमर्स की क्वेरीज़ uh, को बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं कस्टमर्स की रिलेटेड टू देयर ट्रैवल रिलेटेड टू टिकट और भी बहुत सारे डाउट्स को लेके कस्टमर्स की क्वेरीज आती हैं तो आपको उनको शॉर्ट आउट्स करना होता है एट टाइम्स कस्टमर की कंप्लेंट्स भी आती हैं तो आपको उनको कैसे डील करना है ये आपको पता होना चाहिए हालांकि जब भी आप एविएशन ज्वाइन करेंगे किसी भी पर्टिकुलर एयरलाइन को ज्वाइन करेंगे तो एयरलाइन आपको अपनी तरफ से ट्रेनिंग देती है और आपको सिखाती है कि आपको कैसे लोगों के साथ डील करना है बट अगर आप में ये क्वालिटी पहले से ही है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा नेक्स्ट इज योर रिक्वायरमेंट तो अगर मैं इस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूं तो इसके लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है दैट इज़ योर वर्क एक्सपीरियंस यू शुड हैव वन टू फोर ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम आपका वन ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैक्सिमम अगर आपके पास फोर ईयर का एक्सपीरियंस या उससे ज़्यादा है तो दैट इज़ वेरी गुड तो अगर आपके पास इस पर्टिकुलर जॉब रिलेटेड कोई वर्क एक्सपीरियंस है या फिर सिमिलर पोजिशन सिमिलर रोल को लेकर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो तो इसको कौन अप्लाई कर सकता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है अगर आप मेल हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं फीमेल हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं दोनों लोगों के लिए ही ये जॉब ओपनिंग है नेक्स्ट इज योर हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि इस टाइम कोई भी वॉक इन इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे इस टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे ऑनलाइन ही एप्लीकेशन मंगवा रही है उसके बाद उसमें से ही शॉर्टलिस्टेड uh, कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन uh, uh, एयरलाइंस या फिर जो भी कंपनी है वो आपको डायरेक्टली कॉल करती है और आगे का प्रोसीजर समझाती है तो इस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग के लिए भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहाँ जाके उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप जाके डायरेक्ट हो जाएंगे उस वेब पेज पर पे जहाँ आपको इस जॉब ओपन के लिए अप्लाई करना है तो एक और चीज से, अगर उस लिंक से आप, आप उसको टाइप कीजिए और आप देन उस पर्टिकुलर पे, आ, हो जाएंगे जहां आपको जाके इसके लिए अप्लाई करना है इस जॉब ओपनिंग के लिए अप्लाई करने से पहले ही आप अपना जो रिज्यूमे है उसको पहले से ही अपडेट कर दीजिए और वो आपके पास हैंडी होना चाहिए आपके पास वो सॉफ्ट कॉपी हैंडी होना चाहिए प्लस आपके पास अपने जो फोटोग्राफ्स हैं लाइक आपका फुल लेंथ फोटोग्राफ फॉर्मल्स में और पासपोर्ट साइज की जो फोटोग्राफ है उन दोनों ही फोटोग्राफ का सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि आपसे रिज्यूमे मांगा जाएगा साथ ही साथ मे बी दे कैन आस्क योर फोटोग्राफ ऑल्सो सो इन दोनों चीज़ों को आप रेडी रखिएगा अपनी फोटोग्राफ और अपना अपडेटेड रिज्यूमे सो दैट आपको उस टाइम कोई हासिल ना हो सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अगर इस वीडियो से रिलेटेड इस पर्टिकुलर जॉब ओपनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं और अगर ये वीडियो हेल्पफुल होने के साथ साथ आपको पसंद भी आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक, तक अपना ख्याल रखिए सुरक्षित रहिए खुश रहिए टेक केयर बाय बाय जय हिंद